हाय दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं यसडी एंड रॉयल एनफील्ड का प्राइस लिस्ट। दोस्तों जब भी हम प्राइस देखते हैं यसडी का, अभी जो है हमको एक्शोरूम प्राइस ही ज़्यादा देखने मिल रहा है, ऑन रोड प्राइस नहीं देखने मिल रहा। बट अगर हम कंपेयर करें दोनों के ही ऑन रोड प्राइस और एक्शोरूम प्राइस, तो मुझे लगता है कि यसडी और रॉयल एनफील्ड में उतना मेजर डिफरेंस नहीं है। याद रखिए, मेजर डिफरेंस उतना नहीं है, वो मैं आपको आगे में दिखाऊंगा। अगर आपने मेरी कंपेरिजन वीडियो, टेस्ट राइड वीडियो नहीं देखी हुई है, तो दोस्तों जाके आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा एंड कमेंट सेक्शन के पास में भी आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो जल्दी से कंपेयर करते हैं प्राइस लिस्ट। तो दोस्तों आपके सामने है रॉयल एनफील्ड का अपडेटेड प्राइस लिस्ट, जो कि जनवरी 2022 का जो है ये प्राइस लिस्ट है। एंड इसमें हम तीन मॉडल ही कंपेयर करने वाले हैं। पहला तो है क्लासिक 350, जो रिबॉन मॉडल है, मीटियोर एंड हिमालयन, इन तीनों से ही जो है यसडी का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का प्राइस लिस्ट, एंड यहां पॉज करके जो है कंपैरिजन जो है दोनों का कर सकते हैं। आगे देखते हैं यसडी का प्राइस लिस्ट। तो दोस्तों ये है यसडी का प्राइस लिस्ट, जिसमें कि रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर के सारे वेरिएंट का जो है ना प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक्शोरूम प्राइस से लेके ऑन रोड प्राइस तक सब कुछ है। ये गुजरात का है, अगेन बोल रहा हूँ, आपके स्टेट और सिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आरटीओ जो होता है अलग होता है वो, और इंश्योरेंस जो है थोड़ा वेरी आपको देखने को मिलेगा, एंड बाकी वहाँ के लोकल नॉर्म्स से। तो यहाँ पॉज करके जो है आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है जो एक्शोरूम प्राइस है वो 199 स्टार्टिंग मॉडल का जो रोस्टर का दिख रहा है, बट वो ऑन रोड आते आते 35,000 से प्लस का जो है डिफरेंस जो आपको देखने का, मतलब 2.35 लाख का जो है ये मॉडल हो रहा है। अगर ऑन रोड प्राइस से ही कंपेयर करें तो दोस्तों मॉडल जो है क्लासिक में अगर कंपेयर किया जाए, तो क्लासिक में जो है अलग अलग वेरिएंट आपको मिल रहे हैं, मतलब 2,20,000 से लेके अब सो ऑन जो है 2,25,000 तक जो है आपको वहाँ पर मॉडल देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो है अगर मीटियोर से रोस्टर कंपेयर किया जाए, तो यस इसके जो स्टार्टिंग वाले मॉडल जो मीटियोर के हैं वो थोड़े सस्ते हैं, बाकी मॉडल जो है प्राइस कॉस्टली लग रहा है। स्क्रैम्बलर का प्राइस जो है अगेन थोड़ा सा मुझे कॉस्टलियर साइड लगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्चिंग प्राइस, एंड लॉन्चिंग प्राइस थोड़ा सा जो है उनको रखना चाहिए था, 2.5 लाख तक जो है बाइक जो है जा रही है। और एडवेंचर का प्राइस मुझे अगेन डिसेंट लगा, अगर हम हिमालयन से एडवेंचर का प्राइस कंपेयर करें तो जो है डिसेंट है इसका प्राइस, जो है एडवेंचर जो है यसडी का, उसका प्राइस हमको चीप देखने मिल रहा है, सस्ता देखने मिल रहा है कंपेयर टू हिमालयन, बट उतना मेजर डिफरेंस भी नहीं है प्राइसिंग में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आने वाला है कि ये जो यसडी बाइक्स हैं, रोस्टर, एडवेंचर, स्क्रैम्बलर, ये कब जो है सीएसडी में इंट्रोड्यूस होगी। दोस्तों जल्द ही जो है, मतलब मान के चले कि 2 से 3 महीने तो मिलने वाला है कि ये मॉडल जो है आपको सीएसडी में देखने को मिलेगा। अगर यसडी उसको पहले पुश करती है तो हो सकता है, जावा ऑलरेडी जो है वो सीएसडी में लिस्टेड है, तो जावा बाइक्स तो मिल ही रही हैं, यसडी भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों एक चीज़ आखिरी में जरूर क्लियर करूँगा, जब भी आप कोई बाइक लेने का डिसीजन करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखिए। अगर आपके सिटी में यसडी जावा का शोरूम है तो डेफिनेटली इस मॉडल को आप बाय कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, एक ऑप्शन जो है उसको रख सकते हैं। अगर आपके सिटी में ये नहीं है तो थोड़ा सोच के करिएगा, या फिर जो यसडी जावा का जो शोरूम है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके सिटी तक, तो ही जो है बाय करिएगा। थोड़ा सा सर्विस साइड पर थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है जावा में भी जो आती थी वो सर्विस को लेके ही आती थी, बिकॉज शोरूम हर जगह पर नहीं है। बाकी अगेन बोलूँगा कि यसडी ने बहुत अच्छा वर्क जो है उसके अपने मॉडल पर किया हुआ है, एंड तीनों ही मॉडल जो लॉन्च किए हुए हैं, रोस्टर, स्क्रैम्बलर एंड एडवेंचर, तीनों ही बेहतरीन है। आई होप दोस्तों आपको प्राइसिंग को लेके बहुत सारी डिटेल आपको मिल चुकी होगी, सीएसडी प्राइस लिस्ट और नॉर्मल प्राइस लिस्ट दोनों का ही जो है आपको आइडिया हो चुका है कब तक आने वाला है और क्या प्राइस है वो सब कुछ। तो दोस्तों यहां वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट ब्रो, ऐसी बहुत सारे वीडियो अपडेट आते रहेंगे। बाय।